दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट रिव्यू इनफिनिक्स का, जो अभी बहुत ही फेमस मोबाइल जो है हॉट 8 का, इसका हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट देखेंगे, और ये जो मोबाइल है ये मैं अभी हाल फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट की बात करें, तो यहाँ पर हमें मोबाइल मिलता है और इसी कागज़ में जो है हमें सिम इजेक्टर ट्यूब मिलता है। इसके नीचे जो है ये इनवॉइस है, और इसमें मोबाइल में जो है इनबिल्ट गूगल फाइल्स का जो है फाइल मैनेजर दिया गया है। इसमें और कोई फाइल मैनेजर नहीं दिया गया है, और उसी के साथ हैं ये कुछ बेसिक गाइड्स, ये वारंटी, और ये एक्स क्लब, जैसे एमआई के मोबाइल्स में जो है एमआई स्टोर का होता है, एमआई अकाउंट होता है, उसी प्रकार इसमें भी एक्स क्लब का जो है वो ऐप इनबिल्ट है। ये हमारा हो गया सिम इजेक्टर टूल। तो ये था हमारा इसमें बेसिक बॉक्स कंटेंट। इसकी प्राइस जो है, पहले इसका वेरिएंट देखिए आप, ये थोड़ा देखिए, ये ऐसा सा कलर है इसका, लगभग ब्लू सा ही है लेकिन ये थोड़ा ग्रीन है। और इसका वेरिएंट जो है वो 464 का है, यानी कि इसमें 4GB रैम है और 64GB रोम है, इंटरनल स्टोरेज है। और ये इन्फिनिक्स का हॉट 8 जो मॉडल है वो है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी है इसमें, और 6.52 HD+ वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले वाला जो है ये डिस्प्ले है। इसमें तीन जो है कैमरे दिए गए हैं AI ब्यूटी के, जिसमें से एक कैमरा जो है वो 13 MP का है। इसमें डायरेक्ट साउंड मोड दिया गया है, जिससे जो है मैंने भी फील किया है कि जो साउंड है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक दोनों दे रखे हैं, और इसका एंड्रॉयड जो है वो वर्ज़न 9 है। बेसिक बात इसमें कि इसको असेंबल जो है इंडिया में किया गया, इसलिए मेड इन इंडिया जो है वह। इसकी प्राइस जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो 8999 रुपये रखी गई है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे जो है मात्र 7000 रुपये में मिलता है। अभी इसकी जो है प्राइस रेंज जो है वो बढ़ा दी है, इसको अब 7500 रुपये का कर दिया है। तो बेसिकली इस मोबाइल ने जो है मार्केट को जो है पकड़ लिया है, तो इसी कारण जो है कंपनी ने इसकी प्राइस जो है बढ़ा दी है। चलिए अब बॉक्स को हटाते हैं और इस मोबाइल का हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट अनलॉक देखिए, सेकंड्स में जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जा रहा है। ये है इसकी बेसिक गार्ड्स जो अभी मैंने आपको बताई, 4GB जो है इसकी रैम है और 64GB जो है वो स्टोरेज है। 8 MP का ये जो फ्रंट कैमरा है ये है, और 13 MP का जो है ये बैक कैमरा है। ये देखिए, ये 13 MP का है। इसका जो CPU है वो 2.0 GHz का है, और जैसे कि मैंने बताया बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 ये इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और ये एंड्रॉयड पाई पे काम करता है। अबाउट फोन में देखते हैं, तो ये जो है इन्फिनिक्स हॉट 8 मॉडल, जैसा कि मैंने बताया, और ये मॉडल नंबर है X650C। अब इसके प्रोसेसर की बात कर ले, तो इसका प्रोसेसर जो है वो है हीलियो P22। अब इसमें हम गेमिंग का जो है वो भी रिव्यू कर लेते हैं। तो इसमें मैंने फ्री फायर डाउनलोड कर रखा है। हम इस गेम की बात करें, इसमें गेम मोड भी है, जिसमें आप
साइड से अनलॉक कर, यहाँ से स्लाइड करेंगे तो आपको कुछ बेसिक जो है वो ज़रूरत की चीज़ें इसमें गेम के दौरान आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इसे आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह। और इसमें खास बात यह है कि ये डुअल 4G पर चलता है, यानी कि यदि आपके पास एक जियो सिम है तो दूसरे किसी 4G को भी चला सकते हैं, या दूसरी वोडाफोन या एयरटेल वगैरह चलाते हैं। तो देखिए अब गेम का आप देख सकते हैं किस प्रकार चल रहा है। और इस पर मैंने पबजी को भी खेला है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है। और इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मैंने जैसे यूज़ किया है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और इसमें आप जैसे कि इसमें 64 का जो है वो स्टोरेज वेरिएंट है, तो बहुत ही ज़्यादा ऐप्स आप काम में ले सकते हैं। और ये अभी तक मैंने इसमें कोई हैंग वगैरह या कोई प्रॉब्लम जो है वो मैंने फेस नहीं की है, इसमें सब ऐप्स जो है आप चला सकते हैं। और दोस्तों इसमें अपडेट्स भी जो है, सिस्टम अपडेट्स वो भी टाइम टाइम पर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने है इसको 5 जनवरी 2020 को अपडेट किया था और एंड्रॉयड वर्जन 9 था। आज की डेट में ये भी अप टू डेट है, इसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस पर टाइम टाइम पर जो है लगभग 1 या 1.5 महीने 2 महीने के अंतराल से जो है इसमें अपडेट्स आते रहते हैं। दोस्तों यदि मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो इसमें डुअल 4G जैसा कि मैंने बताया वैसा है। जियो में आप देखेंगे डुअल 4G जो है, जैसे कि जियो में 4G चल रहा है, और जब मैं वोडाफोन पे देख रहा हूँ तो उसमें भी 4G वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें दोनों में जो है वो वोल्टी काम कर रहा है। तो दोस्तों यदि आपको इसके और फीचर्स वगैरह के बारे में जानना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको इसके कई हिडन फीचर्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।